ਐ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। जमवाल यहाँ है और लॉकडाउन चल रहा है और जमवाल के कैमरे पे धूल तक जम चुकी है। व्लॉग डालने का मन रोज़ करता है, रोज़ एनर्जी इकट्ठी होती है कि आज व्लॉग डालूंगा, बट फिर टाइम टाइम फिक्स हो जाता है मेरा काम। क्यों? क्योंकि घर के अंदर बैठे बैठे कितने व्लॉग डाल लिए जाएँ, क्या कर लिए जाए। और भी मैं वर्कआउट करके आया तो आज मुझे वर्कआउट को लेकर व्लॉग डालूंगा, बट ना ही नीचे एक तो पार्किंग में वर्कआउट करना पड़ता है, आजकल बाहर जा नहीं सकते, कोविड सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, तो उस वजह से सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम चीज़ों को सोचते हुए हमें घर पे ही रहना पड़ता है। और जहाँ तक रही बात वर्कआउट की, वर्कआउट इसलिए ज़रूरी हो गया कि बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, ऊपर से खुद को इतना एक्टिव रखना है कि भाई दिमाग में गलती से भी कोविड को लेकर कोई विचारधारा आएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जितना ज़्यादा हो सके दिन के एक दो घंटे निकाल लिए जाएँ और वर्कआउट कर लिया जाए, ताकि जिससे मेरी बॉडी की इम्यूनिटी है वो अच्छी रहे और बॉडी स्ट्रेंथ में रहे। और जहाँ तक रही बात खाने पीने की, तो भाई साहब खाना पीना बहुत ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में। बहुत सारे लोग इस लूप में फंस चुके हैं कि डाइट करने से आपकी बॉडी फिट रहेगी, डाइट अच्छी खाने से, मतलब कि यू नो कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये सब करने से आपका पतलापन आएगा आपकी बॉडी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इस टाइम आपकी बॉडी को चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खून और ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी बन चुके हैं, क्योंकि आपका प्लाज्मा भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और खाना जो है ना वो घर का इसलिए हेल्दी बोला जाता है कि घर की आप चार रोटियां भी खा लो ना आपके शरीर में इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं लगेंगी, अनलेस आप बाहर का ढाबे का खाना खा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो खाना नहीं अरेंज कर पाते हैं, बट जिन लोगों को खाना मिल रहा है वो खाना खा सकते हो भाई। डाइट वाइट के चक्कर में फंस के आप खुद का ही नुकसान करोगे। मैं खुद एक डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक प्लान फॉलो कर रहा हूँ, बट उसमें भाई दाल भी है, आटा भी है, चावल भी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो खाना नहीं खाऊं मैं मोटा हो जाऊंगा, बहुत क्या हो जाएगा, एक महीने मोटा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई। कौन सा एक महीने में कोई लड़की मना कर देगी कि एक महीने में कौन सा कोई नौकरी से निकाल देगा और आप मोटे हो गए। बट फिजिकल फिटनेस, एक घंटा दिन का वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको रोज़ करना ही करना है, चाहे आप सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, रात करो, जब भी आपको मौका मिले। फिलहाल तो रिमोट वर्क जैसे करके सब लोग काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो आप आराम से एक घंटा निकाल सकते हो। मेरी तरह मैं भी निकालता हूँ भाई, रोज़ आता हूँ, बेशक पार्किंग में ही जाता हूँ पर ज़्यादा ज़रूर हूँ। तो मुद्दे की बात, अभी आपको एक चीज़ और है जो आपको अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी है, मेरी सलाह मान लेना, बहुत ज़रूरी रामबाण है, ये काम आता ही आता है। मैं जब पिछले 2021 में ही, जब मैं बर्थडे के पहले, मार्च से पहले, फरवरी में बीमार हो गया था भाई, दो हफ्ता मतलब खतरनाक बीमार, बट मैं टेस्ट नहीं करवाया, मेरे को पता था कि करवाऊंगा तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पर नज़दीक में डॉक्टर है उनके पास गया, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई तुम एक तो एंटीबायोटिक शॉट ले लो, इंजेक्शन ले लो, वो ले लो, दवाइयाँ दी उन्होंने मेरे को। ठीक है, दवाई दो, बहुत गर्म थी, मतलब बॉडी में पसीने पसीने आ रहे थे, तो पर वो खाने से मैं ठीक हो गया था। पर हम बात क्या कर रहे थे पीछे इसके, यार ये बड़ा पंगा हो रहा है, जब व्लॉग आजकल शुरू कर रहा हूँ ना मेरे को समझ नहीं आ रही किस टॉपिक पर बात की जाए, बट हाँ तो वो रामबाण में क्या बोलना, आई थिंक आप लोग सब अपने घरों में करते हो, बट कुछ लोगों को नई आइडिया मैं भी बता देता हूँ कि आप रोज़ रात को एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच शहद और एक चम्मच अदरक का जूस, अदरक को काट के उसका फूट के अच्छे से उसका पेस्ट जूस निकाल लिया, रस निकाल लिया, उनको मिक्स करके एक चम्मच रोज़ रात को खा लो। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मजाक नहीं कर रहा, बॉडी में जो डिफरेंस आएगा ना, मतलब डिफरेंस का ऐसा नहीं कि आप शक्तिमान बन जाओगे, इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी आप चांद तारे तोड़ लाओगे, बट ये है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी रिकवर करने के लिए वो बेस्ट चीज़ है। हल्दी इज़ हमारा हिंदुस्तानी देसी इलाज, तो आप वो सब कर सकते हो। अब रही बात व्लॉगिंग की, अब ट्रैवल तो हो नहीं रहा है, जितना है घर के अंदर ही ट्रैवल है, उससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते और ना ही हम कर पाएंगे, बिकॉज गाइडलाइंस ऐसी हैं, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो 15 मई तक शिफ्ट हो गया है। और जहाँ रही बात 15 मई की, तो 15 मई के हिसाब से अगर देखा तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ये पूरा मई महीने में हम लोग लॉकडाउन लगाएंगे, तो मेरे हिसाब से पूरा एक महीना लग ही जाना चाहिए, बिकॉज अब क्या होता है ना, वो हाथी की क्या वो डायलॉग होता है, हाथी निकल के पूंछ रहेगी, ऐसा कुछ हिसाब तो है नहीं, बिकॉज अभी हाथी फंसा ही हुआ है, मतलब कोविड फंसा ही हुआ है बहुत ज़्यादा। आई थिंक स्क्रीन टेढ़ी लग रही है मेरे को, एंगल टेढ़ा लग रहा है, हाँ थोड़ा हूँ ठीक है, हाँ हूँ ठीक है।
तो अगर ये लॉकडाउन बढ़ता भी है तो क्या नुकसान हो जाएगा, क्या फ़ायदे हो जाएंगे, तो लोगों को पता, बिकॉज हर एक की समस्या अलग अलग है। मेरा भी कुछ काम बनने वाला था वो नहीं बना, जिस वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। बट एंड ऑफ द डे जब पूरे देश का हालात देखा तो मेरे को एक बात समझ में आया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता, अगर वो होता तो ये नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या करना है इस टाइम पर, हमें थोड़ा सा सब्र रखना है। सब्र देखो, अभी लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हर चीज़ को, गवर्नमेंट को, मेडिकल सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमें उस चीज़ में घुसना नहीं है, हमें खुद का ध्यान खुद ही रखना है। कैसे रख सकते हैं? घर पे रह के। घर पे रह के रहेंगे तो अगर 4 मेंबर है घर पे, 5 मेंबर है, हमारी वजह से घर पे सेफ रहेंगे। अगर हम बाहर जाने के चुल ज़्यादा करेंगे, जल्दी निकलेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। नेक्स्ट कार्यक्रम करेंगे, अभी हम नहा लेंगे, नहाने के बाद फिर बात करते हैं, अगर मन किया तो व्लॉग करने का, मन की बात। बोला था कि नहाने के बाद मिलूँगा, और ये नहीं पता था कि मैं नहाने के बाद नहीं, मैं सोने के बाद मिलूँगा। तो ये सेकंड डे शुरू हो गया, और मैं पता नहीं क्या हुआ कि एक बहुत ही नई सीरीज़ देख रहा था, मेरे को नाम फिर भूल गया, नहीं मैं ऐसा उठा मैं तो मैं वो देखता 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 इतना घुस गया घुस गया घुस गया घुस तो देखता ही गया। मैं चलो अब व्लॉग जो है वो सुबह उठ के कंटिन्यू कर लेंगे, नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि क्या होता ना कुछ चीज़ें ना अर्ली मॉर्निंग ताज़ा ताज़ा एनर्जी में करो तो और मज़ा आता है। भाई मैं नाम मेरे को याद आएगा, मैं नीचे लिख दूंगा, वो देखना ज़रूर। इट्स अ गुड सीरीज़, अभी तक फर्स्ट उसका सीज़न ही आया, सेकंड सीज़न 27 मई को आएगा। और फिर मैं सोया, फिर मेरी नींद अभी 5:30 बजे खुल गई, उठते उठते मेरे को 6 बज गए, और फिर मैं यहाँ पे आपके सामने आ गया। तो अभी शुरुआत कर ली जाए दिन की। तो हम लास्ट टॉपिक हम किस बारे में बात कर रहे थे, मेरे को खुद को याद नहीं रहा अभी। और हाँ, कल मैं जो आप लोगों को ज्ञान दे रहा था हल्दी के बारे में, कि आपको हल्दी शहद वहद सब कुछ खाना चाहिए, तो मैं ये एक हल्दी यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से। इट्स नॉट अ प्रमोशन एक्टिविटी, इतना यू नो आई नो फॉलोअर्स बहुत है, बट इतनी बड़ी एक्टिविटी है, टर्म फ्लू करके ये, सो दिस आई थिंक ये विजिबल होगी। हाँ, सो दिस इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनिक हल्दी, इम्यूनिटी बूस्टर है, साफ लिखा है कि एंटीवायरल, एंटीबायोटिक और इम्यूनिटी बूस्टर। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पानी में, मतलब गर्म पानी में आप पी सकते हो, और इसको आप मिक्स करके पी सकते हो उसके साथ, शहद के साथ या अदरक के साथ, ये खाने में नहीं डलती है। तो बेसिकली मैं यूज़ करूँ, और मैंने घर पे भी रिकमेंड की थी, मतलब चंबा से ली थी मैंने, मेरे एक दोस्त है उनका प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं बात करके पूछ के लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, और किसी को चाहिए तो उसका नाम है टर्म फ्लू, आई थिंक विजिबल होगा। सो जिसको चाहिए होगी तो आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, तो ले लेना। मतलब मेरे पापा ने भी खाई थी, मतलब उनको भी अच्छा लगा था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, सारी बातें बातें भी होगी, अभी दिन की कार्रवाई शुरू की जाएगी मस्त एक नींबू पानी के साथ, शहद मिला के, शहद डाल के, ताकि बॉडी का जो रात का अंदर का माल फंसा होता ना खाना है वो निकल जाए अच्छे से इजीली। और जो लोग व्लॉग देख रहे होंगे तो प्लीज़ तारीफ कर देना थोड़ी सी, थोड़ा सा वापस मैं कम बैक कर रहा हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए, खुद को खुद मोटिवेट कर रहा हूँ। प्रभजोत मेरा दोस्त, वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मोटिवेट करने के लिए, कि नहीं तो बना कोई बात नहीं, घर पे बैठा है, दोस्तों के घर पे चल जाएगा, फ्लैट में ऊपर नीचे चल जाएगा, कुछ ना कुछ कर लिया कर, तो कोई बात नहीं। विद ऑल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखो, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखो, अपने आसपास के भाई बंधुओं का ध्यान रखो, ज़रूरी नहीं कि अपनी फैमिली का ध्यान, किसी और की जरूरत भी तो उसकी भी मदद कर दो। अगर आपके घर में खाना बनता है, खाना कुछ ज़्यादा बन जाता है कभी, तो नीचे गार्ड्स को दे दो जाके, खाना कुछ गार्ड्स ने खा लिया तो बाहर स्ट्रीट पर, अगर आपके गेट के बाहर भी कुछ बैंक मांगने वाले बैठे हैं, कुछ भिखारी बैठे हैं, तो उनको दे दो। भिखारी इज़ नॉट अ गुड वर्ड टू से टू एनीवन, बट ठीक है, जितनी हेल्प कर सकते हो उतना ज़रूरी है, बिकॉज यही टाइम है, अगर किसी की मदद कर लोगे तो किसी की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।